ट्रांजेक्शन दो टाइप का होता है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड, राइट। जनरलाइज्ड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जब बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी वजह से जब फेज डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है थ्रू बैक्टीरियोफेज, तो उसकी मशीनरी के ऊपर रूल करता है, राइट। उसके बैक्टीरिया के ऊपर रूल करता है, उसके सारी मशीनरी को यूज़ करता है, जैसे कि उसके राइबोसोम्स को यूज़ करेगा और ख़ुद के प्रोटीन बनाएगा। अब वो खुद के प्रोटीन बनाएगा तो बोल सकते हैं कि वो खुद की कॉपीज़ बनाएगा, राइट। तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियोफेज की, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल रहता है बैक्टीरिया का, वो फेज बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, वो जो कॉपीज़ बनी है ना इतनी सारी, उनके अंदर एंटर कर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फेज जो होता है अब जब दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो जो सेकेंड बैक्टीरिया के अंदर है खुद का तो जेनेटिक मटेरियल जा लेगा ही, और जो फर्स्ट बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इंसर्ट कर देगा, राइट। इस वजह से क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जो फेज रहते हैं, जो खुद का जेनेटिक मटेरियल साथ ही साथ बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी होता है, उनको हम ट्रांसड्यूसिंग फेज बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो पहला बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था या डीएनए था, और सेकंड बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था, कुछ रिसेम्बलेंस हुई अगर, तो अगर वो या फिर होमोलोगस हुए तो इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। अब पहले मान लो पहले बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रेन है उसमें म्यूटेंट लाइसिन है और म्यूटेंट हिस्टिडीन है, म्यूटेंट माइनस नेगेटिव, राइट। दे कैन बी प्रोड्यूस ऑन देयर ओन, बट अगर अपन उनको प्रोवाइड करेंगे उस मीडियम में प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रो हो जाएंगे, लेकिन उनके खुद का ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं होती, राइट। उनको म्यूटेंट बोलते हैं। और दूसरा जेनेटिक मटेरियल, जो दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, उसमें हिस्टिडीन प्लस है, यानी कि वाइल्ड टाइप ऑफ हिस्टिडीन प्रेजेंट है। जब इन दोनों स्ट्रेन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा कि बाय चांस, नॉट नॉर्मली, बाय चांस हिस्टिडीन प्लस जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और टोटल जो आखिरी में जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का जीनोटाइप बनेगा वो होगा हिस्टिडीन प्लस एंड लाइसिन माइनस, यानी कि हिस्टिडीन वाइल्ड टाइप जो हिस्टिडीन था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। और इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का जीनोटाइप हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। ये बाय चांस हुआ है, नॉट नॉर्मली। अब जनरलाइज ट्रांजेक्शन जो होता है वो कोई सा भी जीन फर्स्ट बैक्टीरिया का फेज डीएनए में इंटीग्रेट हो सकता है, राइट। कोई भी नहीं कि मतलब पर्टिकुलर ही हो, कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हिस्टिडीन हो, कोई सा और कोई सा भी हो सकता था। ये जो हमने देखा वो लाइटिक साइकिल थी, इतनी देर से हमने जो देखा था ये पूरी लाइटिक साइकिल थी, जिसकी वजह से लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है। लाइसिस मीन्स जो ब्रेक डाउन होता है उसका पूरा। अब लाइसोजेनिक साइकिल देखेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल सेकेंड साइकिल होगी। इसके अंदर क्या होगा, जब कंडीशन फॉर लाइसिस और रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज डीएनए इज नॉट अप्रोप्रिएट और नॉट गुड, तो क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लाइटिक साइकिल नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल सेट कर देंगे। तो क्या होगा, जब फेज डीएनए अपना इंसर्ट करेगा जो है डीएनए, फेज डीएनए जब इंसर्ट होगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, तो इंस्टीड ऑफ मेकिंग कॉपीज इट इंटीग्रेट्स इनटू इटसेल्फ इनटू द बैक्टीरियल डीएनए। अब जैसे ही मान लो कि जैसे ही कंडीशंस अच्छी होने लगी, वैसे ही ये अपना जो फेज डीएनए था वो सेपरेट हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए से। लेकिन जब सेपरेट होगा उसके साथ ही साथ, फेज डीएनए के साथ ही साथ बैक्टीरियल डीएनए भी उसके साथ आ जाएगा, फेज डीएनए के साथ। इसी को हम कहते हैं प्रोफेज, राइट। लाइसोजेनिक साइकिल यही होती है, इसमें कुछ खास नहीं था। इसके आगे जाके लाइटिक साइकिल ही कंटिन्यू होती है। लाइसोजेनिक साइकिल में बस यही होता है कि जब फेज डीएनए क्या करता है, डायरेक्ट आके इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, और जैसी कंडीशन गुड अच्छी हो जाती है, वो अपने को रेप्लिकेट करने लगता है फेज डीएनए को, और डिस्ट्रक्शन कर देता है पूरे बैक्टीरियल डीएनए का। अभी प्रोफेज का जो है वो रेप्लिकेशन होता है, और ये जो क्या करता है, बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रक्शन कर देता है उसका, और खुद का रेप्लिकेट करता है। फिर लाइटिक साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती है लाइसोजेनिक के बाद, कि वही होता है कि वायरस कैप्सिड जो होता है सिंथेस करता है, उसकी असेंबली बना देता है बहुत सारी खुद की, और फेज पार्टिकल्स बन जाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर, और फिर उसको ब्रेक डाउन करता है, और फेज फिर दूसरे बैक्टीरियल सेल को जो है इन्फेक्ट करता है, राइट, रिलीज होने के बाद।
लाइट एक साइकिल में हुआ क्या, लाइसिस हुआ सेल का, जैसे ये फेज बना उसने लाइसिस कर दिया बैक्टीरियल सेल का और फिर रिलीज हो गया, फिर दूसरे नए बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करा। अब जब ये नए बैक्टीरियल सेल के पास जाता है तो क्रॉस ओवर हो जाता है, स्टेबल क्रॉस ओवर हो जाता है दोनों के बीच में, किसके बीच में, जो पहला जेनेटिक मटेरियल, पहला बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था और दूसरा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल का, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। राइट, किसके बीच में, पहले और दूसरे। जैसे अब इसका कैरियर कौन था, लेकिन फेज था। राइट, क्रॉसओवर होता है और स्टेबल जीन ट्रांसफ़र होता है रिसिपिएंट सेल क्रोमोसोम के बीच में, रिसिपिएंट सेल क्रोमोसोम किसका, सेकेंड बैक्टीरिया। राइट, तो ये जनरलाइज स्पेशलाइज के बीच में डिफरेंस यही था कि जो रैंडम बैक्टीरियल डीएनए आ सकता है, लाइटिक साइकिल ही होती है इसके अंदर एक तो, और स्पेशलाइज में लाइसोजेनिक भी होती है और लाइटिक भी होती है। पहले लाइसोजेनिक होती है क्योंकि कंडीशन सही नहीं होती है रेप्लिकेशन सबकी इसके लिए, जैसे ही लेकिन अगर कंडीशन सही हो जाती है तो रेप्लिकेशन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उस सेल का, लाइसिस हो जाता है सेल का। तो लेकिन स्पेशलाइज में क्या होता है, जो स्पेसिफिक बैक्टीरियल डीएनए ही आता है फेज के पास। राइट, जो बिल्कुल फेज, और जब उसका रिकॉम्बिनेशन होता है, जब वो इंटीग्रेट करता है फेज उसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, तो जो बिल्कुल उसके पास वाला जो रहता है ना, उन दोनों को ही, उन दोनों का ही साथ में ले जाता है, जो पास में होता है उन्हीं को ले जाता है। लेकिन जनरलाइज में क्या होता है कि रैंडम बैक्टीरिया ले लेता है और दूसरे पे चले जाता है। राइट, अब ट्रांसडक्शन की हेल्प से हम मैपिंग भी कर सकते हैं। राइट, मान लो कि सेकेंड बैक्टीरिया जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया था उसमें हिस्टिडिन म्यूटेंट है, लाइसिन म्यूटेंट है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो सेंसिटिव है। एस का मतलब सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जब हम किसी इसको इसको कभी किसी स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम में डालेंगे तो वो सेंसिटिव होगा और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो डेड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। राइट, वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जब हम फर्स्ट बैक्टीरिया जो है, जो डोनर है उसका जो है कैसा है जीन, उसका जेनेटिक जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, हिस्टिडिन वाइल्ड है, लाइसिन वाइल्ड है और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट है, मतलब परफेक्ट है इसका, तो मतलब यही तो चाहिए हमें। लेकिन सेकंड बैक्टीरिया को जो है उसमें हिस्टिडिन तो वाइल्ड है लेकिन लाइसिन जो है सेडिन जो है वो म्यूटेंट था, लाइसिन भी म्यूटेंट था और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी सेंसिटिव था। लेकिन क्या हुआ, जब रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन होने के वजह से जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल जेनेटिक का जो स्ट्रक्चर हुआ वो कैसे निकला, हिस्टिडिन वाइल्ड, लाइसिन म्यूटेंट एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव। राइट, यानी कि सिर्फ हिस्टिडिन जो था वो पहले बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुआ किसमें, सेकेंड बैक्टीरिया में, जब फेज ने इन्फेक्ट करा था पहले बैक्टीरिया को और फिर जब वहाँ से उसने कुछ लेकर चला गया और फिर उसने सेकेंड बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट कर रहा था उसके से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन किसका ट्रांसफ़र हुआ, इस बार सिर्फ हिस्टिडिन का ट्रांसफ़र हुआ। तो पहला केस यही है। राइट, कि हिस्टिडिन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसमें देखेंगे, जब हम जब पहली बार इसमें सेकेंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, अगर हम इसमें हिस्टिडिन, सिर्फ हिस्टिडिन ही है इसका मतलब, वो हिस्टिडिन वाइल्ड है, लेकिन अगर मान लो मैंने उसको लाइसिन नहीं दिया अगर मीडियम में म्यूटेंट, तो वो मीडियम में अगर मैंने उसको लाइसिन नहीं दिया तो ग्रोथ ऑब्वियसली नहीं होगी। राइट, क्योंकि उसका खुद का तो कैपेसिटी है नहीं बनाने की, क्योंकि वो कैसा है, म्यूटेंट लाइसिन है। राइट, उसको अगर मीडियम में प्रोवाइड करोगे तभी ग्रोथ होगी, लेकिन मैंने मीडियम में प्रोवाइड लाइसिन नहीं करा है तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ नहीं नहीं दिखेगी हमें। अब मान लो कि मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया मीडियम में, अब वो सेंसिटिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन से, इसकी वजह से भी ग्रोथ नहीं होगी। मान लो कि मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया लेकिन लाइसिन दे दिया, मैंने लाइसिन दे दिया, इसकी वजह से क्या होगा, मीडियम में जब मैंने लाइसिन दिया और स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया तो ग्रोथ हमें मुझे दिखी, क्योंकि हिस्टिडिन तो पहले पास पहले ही वो अपने आप से बना सकता है, लेकिन लाइसिन नहीं बना पाता था, मैंने मीडियम में दे दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन से सेंसिटिव था मैंने इसलिए मीडियम में नहीं दिया, इस वजह से मुझे क्या दिखी, ग्रोथ। अब इसमें हम दे सकते हैं कि अगर दूसरा केस दे सकते हैं, मान लो कि मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, इसको मान लो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट ट्रांसफ़र हो गया और हिस्टिडिन भी ट्रांसफ़र हो गया। पहले का सिर्फ हिस्टिडिन ट्रांसफ़र हुआ था लेकिन इस बार स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जो जीन है क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन भी ट्रांसफ़र हो गया। राइट, अब पहला सेकेंड केस में अपन देखेंगे कि क्या होगा, मैंने मान लो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया लेकिन अब रेजिस्टेंट जीन उसके पास प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से, तो मैंने अगर मीडियम में दे भी दिया तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, वो ग्रोथ हो सकती है। लेकिन मान लो मैंने लाइसिन नहीं दिया तो ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हुआ था फर्स्ट बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया में,
क्या लाइसेंस ट्रांसफ़र हुआ था? नहीं, मैंने क्या बोला था, बस स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्रांसफ़र हुआ है, लाइसेडिन ट्रांसफ़र हुआ है। अब वो खुद से तो लाइसेंस बना नहीं सकता ना, राइट। अब ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि एबसेंट था, एबसेंट क्या था, लाइसेंस, राइट। अब मान लो कि मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया, लेकिन अब रेजिस्टेंट है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने लाइसिन भी दे दिया और मैंने हिस्टिडीन दिया, मैंने क्या दिया, लाइसिन दे दिया। अब हिस्टिडीन की ज़रूरत थी नहीं, ठीक। अब लाइसिन दे दिया, लाइसिन तो चाहिए था, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन दो या ना दो, वो तो रेजिस्टेंट है ना, तो ग्रोथ दिखेगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हिस्टिडीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो थे वो ट्रांसफ़र हुए थे फर्स्ट बैक्टीरिया और सेकेंड बैक्टीरिया में साथ में, और वो दोनों एक दूसरे के पास में थे, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का को ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ? को ट्रांजेक्शन, यानी कि दोनों का एक जेनेटिक, जब ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो वो साथ में उनका ट्रांसफ़र हो गया जो कि दोनों पास में थे, राइट। अब सेक थर्ड केस देखेंगे जिसमें मैंने हिस्टिडिन भी दिया है और लाइसिन भी दिया है, लेकिन मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन नहीं दिया है। तो अगर मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन नहीं दिया है तो देखते हैं क्या होता है। तो अब टोटल क्या होगा, जब मैंने लाइसिन और हिस्टिडिन दिया सेकेंड बैक्टीरिया में, हिस्टिडिन वाइल्ड होगा, लाइसिन वाइल्ड होगा, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी भी सेंसिटिव है, राइट। तो मान लो मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया, मैंने इस बार ना स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया, ना लाइसिन दिया, ना हिस्टिडिन दिया, तो ग्रोथ दिखेगी क्यों? अरे भैया स्ट्रेप्टोमाइसिन तो सेंसिटिव है, तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हिस्टिडिन और लाइसिन तो दे दिया, तो दो या ना दो एक ही बात है, तो ग्रोथ दिखेगी, राइट। अब मान लो मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन तो वो सेंसिटिव है, तो वो जैसे ही सेंसिटिव है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि वो सेंसिटिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन से, राइट। तो मैं क्या इसमें बोल सकता हूँ कि हिस्टिडिन लाइसिन दोनों पास में थे इसलिए उन दोनों का एक साथ ट्रांसफ़र हुआ? तो क्या वो बोल सकते हैं यहाँ पे को ट्रांजेक्शन हुआ है हिस्टिडिन और लाइसिन का भी? तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हिस्टिडिन और लाइसिन का को ट्रांजेक्शन और हिस्टिडिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी को ट्रांजेक्शन हुआ? तो क्या बोल सकते हैं कि हिस्टिडिन बीच में है लाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के? तो क्या इससे हमें जेनेटिक मैप मिल सकता है? थैंक यू।